खबर आप। उत्तर प्रदेश के आगरा से नशीली दवाइयों का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा नशीली दवाइयों की सप्लाई की जा रही है। नकली दवाइयों की सूचना पर ड्रग विभाग के थाना सिकंदरपुर के शास्त्रीपुरम कॉलोनी में बने दो मकानों पर छापा मारा तो ड्रग विभाग के अधिकारियों के भी होश पुख्ता हो गए। भारी मात्रा में मकान के अंदर सैंपल की दवाइयां भरी हुई थी, जिसमें कफ सिरप और इंजेक्शन की मात्रा सबसे ज्यादा थी। ड्रग इंस्पेक्टर जूनावली ने बताया कि पश्चिमी पुरी चौराहे की तरफ दो लोग एक बाइक पर आ रहे थे, जिनका पीछा किया गया और उनके पास से जब कुछ दवाइयां मिली और उसके बाद उनके पीछा करते हुए उनके ठिकाने पर पहुंचा गया, जहां पर 50 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। कितने घंटे से रेड चल रही है और क्या कुछ यहाँ बरामद हुआ आपका? कल रात को 10 बजे से ये रेड चल रही है और फिजिशियन सैंपल की कम से कम 40-50 लाख की दवाइयाँ दो कमरों में भरी पड़ी थी, जिसका सीजर हम लोग कर रहे हैं। तो कितने लोग पकड़े गए हैं कुछ पता चलता है? इसमें दो लोग को पुलिस ने पकड़ा था, जिनके निशानदेही के आधार पर यहाँ पे छापा मारा गया है। वो यहाँ सप्लाई का काम कर रहे थे और ये प्रीमिसेस किसका है और ये दवाइयाँ कहाँ से मंगाते हैं इसकी अभी सूचना कोई इन्होंने दी नहीं। कुछ पता चल पाया पूछताछ में कहाँ सप्लाई होना चाहिए पूरा माल? इनका ये कहना था कि हम लोग मार्केट में सप्लाई करते हैं, लेकिन जिनका ये घर है जहाँ से बरामद हुआ है उनका अभी नाम पता इन्होंने बताया नहीं है, पुलिस पूछताछ कर रही है। जहाँ सप्लाई होता था माल वहाँ भी कर रही होगी? हाँ बिल्कुल होगी, अगर जो ये किसी का नाम देते हैं कि ये सप्लाई यहाँ होती है तो वहाँ पे ड्रग डिपार्टमेंट जो है छापा मारेगा। जनाब जी, अगर देखा जाए तो साथ वाला जो कमरा है, जो घर है, उसमें लगभग सारा ही सिरप भरा पड़ा है, तो क्या मानते हैं कि सिरप का भी यहाँ पे अवैध काम हो रहा था पूरे तरीके? नहीं, सिर्फ सिरप ही नहीं, इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, हर तरह की दवाइयाँ हैं। नहीं, साथ वाला जो सेक्शन है उसमें सारे सिरप ही सिरप? नहीं नहीं, अंदर आप देखेंगे तो सिरप तो बाहर हम लोग छाट रहे थे, क्योंकि इन्वेंट्री बना रहे हैं तो हम सारी एक एक दवाइयों की इन्वेंट्री बनाते हैं, उसका बैच नंबर नोट करते हैं, तो सिरप को हम लोग एक तरफ सेग्रीगेट कर रहे थे। कुछ दिन पहले भी ड्रग विभाग ने कार्रवाई की थी, काफी मात्रा में नशीली दवाओं में बरामद हुई थी इंजेक्शन और सिरप, तो कोई ऐसा लगता है कि आपको ये बाहर नशीली के तौर पर यूज करने के लिए सप्लाई करते थे? इसमें नशे वाली तो ऐसी कोई दवाई नहीं है, लेकिन ये सैंपल की दवाइयां हैं, इतनी ज्यादा सैंपल की दवाई कोई कंपनी नहीं देती है, तो हो सकता है कि ये पूरी संभावना है कि ये नकली हो सकते हैं, जिसका सैंपल हम लोग जाँच के लिए भेज रहे हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इतनी भारी मात्रा में सैंपल कहाँ से है। जनाब जी, एक चीज लगातार देखने में आ रही है कि आगरा से कई बार ट्रांसपोर्ट से फैंसी डील और बाकी जो नशीली टाइप के जो कि बिहार और बाकी सब जगह भेजी जाती है वही पकड़ी जाती है, लेकिन कभी भी कार्रवाई होती है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक में कर दी जाती है, नार्कोटिक्स में कभी कार्रवाई नहीं होती है? दिखाई नहीं, क्या है कि अगर जो लाइसेंसी है, अगर दवाई किसी लाइसेंसी के यहाँ पाई जाती है तो हम ड्रग एक्ट में कार्रवाई करते हैं, अगर जो बिना लाइसेंस का कोई पकड़ा जाएगा तो NDPS भी लगेगा, और अगर जो सेल्फ परचेज उसकी वेरीफाई नहीं होती तब भी NDPS लगेगा। आगरा से लगातार फैंसी ड्रग्स वगैरह बाहर भेजी जाती हैं, तो क्या उनके लिए छापेमारी की जाएगी? अगर बिल्कुल, हम लोग छापेमारी करेंगे, अब शुरुआत की है अभी, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि फैंसी ड्रग का सिर्फ हम लोगों ने पकड़ा था और आज सैंपल का जो शिकायतें थी तरक्की के आधार पर पकड़ा गया, तो हम इस चैनल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ड्रग विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है, 50 लाख रुपए की नकली दवाइयों को बरामद किया गया है। और सोनी न्यूज के लिए आगरा से सुनील कुमार की रिपोर्ट।